देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बरेली में ब्रह्मा कुमारीज ने धरती पर उतारा स्वर्ग। वैसे तो लोग मन के सुकून और शांति के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थानीय शाखा ने बरेली के लोगों के लिए मन के सुकून और तनाव रहित जीवन के लिए अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया। देवी देवताओं का अवतरण, मन की गहराइयों में ईश्वरीय अनुभूति, देवी देवताओं के परिधान में सजे परिवार के लोग कुछ देर के लिए भूल गए कि वे एक साधारण मानव है। हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध तनाव मुक्त विशेषज्ञ तथा राजयोग प्रवक्ता बीके पूनम के कार्यक्रम की। समय की नाजुकता को देखते हुए मन को रिलैक्स, रिचार्ज एवं रिजुविनेट करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मार्गदर्शित कर खुशनुमा जीवन के टिप्स दिए गए। कार्यक्रम में बेफिक्र रहने की विधि, सब दुख परमात्मा को देकर लाइट रहने का अभ्यास, सतयुग की सैर ने सभी को अलौकिक यात्रा कराई, जिसमें श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ रास करते सब आध्यात्मिकता में डूबे नजर आए। देखिए उसकी झलकियां। स्व पर राज्य करने की विधि, सभी कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चलाने का अभ्यास, साथ ही मन को कंट्रोल करने का सहज तरीका बताया गया। आगे शांति की शक्ति के माध्यम से विश्व सभी दुखी अशांत आत्माओं को सताश भी दिया गया। करीबन 600 भाई बहनों ने इस गहन योग तपस्या अनुभूति का लाभ लिया। पर अगर आप इस स्वमान में हो, मैं शिव शक्ति कंबाइंड सर्व शक्तिवान कंबाइंड चारों तरफ बाबा की शक्तियों का गोला घूम रहा है, तो बाबा की शक्ति के आगे सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी और आपकी एक सेकंड की विजय आपके जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा देगी। चेन्नई में सार्वभौमिक संस्कृति प्रेम शांति और सद्भाव प्रोजेक्ट की राज्य स्तरीय लॉन्चिंग की गई। श्रेष्ठ भावनाएं एवं विचारधारा मानवीय सभ्यता का आधार है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, ये सामाजिक एकता का सूत्र है। कला एवं संस्कृति में प्रेम शांति और सद्भावना के भाव जरूरी है, जो आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही संभव है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चेन्नई में सार्वभौमिक संस्कृति प्रेम शांति और सद्भाव इस विषय को लेकर संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा प्रोजेक्ट की राज्य स्तरीय लॉन्चिंग की गई। प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, फिल्म डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर के भाग्यराज, एक्टर पी सक्तिवासु, जेबी क्रिएशन के फाउंडर डॉक्टर जयरमन बाल सुब्रमण्यम, प्लेबैक सिंगर एस जे जननी, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना समेत कई गणमान्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में कलाकारों, शिल्पकारों तथा कला और शिल्प से जुड़े हुए सिने जगत के अदाकारों ने भाग लिया। अवसर पर प्लेबैक सिंगर एस जे जननी द्वारा संगीतबद्ध नेवर गिव अप मोटिवेशनल सॉन्ग भी अतिथियों के करकमलों से लॉन्च हुआ। परम कलाकार परमात्मा का हम सभी दिल से आवाहन कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, यूनिवर्सल कल्चर लव पीस एंड हार्मनी, बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ बेंगलोर में इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग होने जा रहा है, तो उसी की खुशी में हम सभी जोरदार तालियों से अभिवादन करें। यूपी सीतापुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र का रजत जयंती महोत्सव शहर के लालबाग स्थित शहीद पार्क में धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, नेपाल से बीके दुर्गा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर बीके ईवी स्वामीनाथन ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। अतिथियों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मानवता के कल्याण हेतु समर्पित संस्था का सामाजिक उत्थान में योगदान अद्वितीय है। संस्था के सदस्यों को शांति दूत कहें इनका दिव्य और स्वच्छ जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन ने उपस्थित जन समुदाय को खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणाएं और टिप्स दिए, तो वही स्थानीय प्रभारी बीके योगेश्वरी ने स्थापना से लेकर अभी तक के अभिनव कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अपने घर परिवार में रहते हुए राजयोग जीवन शैली को अपनाकर दिव्य पवित्र एवं सात्विक जीवन जीने वाले 25 से अधिक गृहस्थ जनों का भी सम्मान किया गया।
आज जब आपके बीच में बैठा हूँ तो मुझे अनुभूति होती है कि आपसे अगर ईश्वर के प्रति, आपसे समाज के प्रति, आपसे शांति के प्रति अगर कुछ सीखना है तो हम सबको कुछ पल अपने आपके सेवा में देने ही होंगे। क्या आप दुनिया में शांति के लिए आप दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया में शांति का संदेश दे रहे हैं? आज एक एक पर, आज पूरी दुनिया आग पर खड़ी है। कब नहीं लगता ही नहीं कि कहीं पर शांति है, लेकिन आप जैसे लोग, आप जैसी संस्थाएं अगर इस धरती पर है तो मुझे विश्वास है कि शांति तो होकर रहेगी। भगवान कड़कड़ में भगवान होते हैं, और ईश्वर भी जो आत्मा में परमात्मा भी होते हैं। अगर आप अपनी आत्मा स्वच्छ करके, अगर साफ, अगर ध्यान से, अगर तो जाए भोले जी तो भोले जी है, भोले जी को अगर कभी अगर भगवान शंकर भगवान या किसी को याद करिए तो आपके दिल में आपके तरंगे खुद आपको महसूस होती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही हम स्वस्थ व स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह बात कही कादमा के SDM मनोज कुमार ने, जो स्थानीय सेवा केंद्र में स्वस्थ व स्वच्छ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। जिस तरह से शरीर की बीमारियों के लिए हमारे पास बहुत बड़ा हॉस्पिटल मेदांता माना जाता है, उसी तरह से हमारी आंतरिक और असाध्य बीमारियों के समाधान के लिए अगर मेदांता का कोई लेवल का कोई हॉस्पिटल है तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है हमारे लिए। वो आपके मन की उन गहरी विषाद जो हैं, जो विकृतियां हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो जख्म, जो दर्द भरे पड़े हैं, जो ईर्ष्याएं भरी पड़ी हैं, उनका समाधान करते हैं। जो विचारों का बड़ा कोलाहल वहां मचता है उसको शांत करते हैं, वहां संतुलन पैदा होता है। और जीवन में सबसे पहली चीज अगर कोई है तो वो संतुलन चाहिएगा आपको। मुंबई से प्रख्यात प्रवक्ता प्रोफेसर EV गिरीश ने कहा कि मेडिटेशन एक मेडिसिन का काम करती है जो हमें आंतरिक रूप से खुशी की खुराक देती है। मन की सफाई, वो निराकार परमपिता परमात्मा हम बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। परमात्मा टीचर है, मैं भी विद्यार्थी हूँ। किसका विद्यार्थी? जीवन को समझने का विद्यार्थी, मन को समझने का मन के अंदर हलचल है, कचरा है, परेशानी है, उसको ठीक करने का विद्यार्थी, सदा खुश रहने का विद्यार्थी। ये परमात्मा सिखाता है जिससे हम स्वच्छ और स्वस्थ हो सकते हैं। झोजू कला अकादमा प्रभारी बीके वसुधा, माउंट आबू राजस्थान से समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र ने प्रभाग द्वारा देश भर में की जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली से प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चहल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चारकी दादरी जिले के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के 70 समाज सेवियों का सम्मान किया गया। सरपंच प्रतिनिधि महेश फौजी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था गांव-गांव में जाकर जो मानवीय मूल्यों की शिक्षा दे रही है, यह बहुत ही सराहनीय है। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। वो भावना अगर हम में आ जाएगी, हम अपने आप को भी, गांव को भी, समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ब्रह्म कुमारी का जो विचार यहाँ से लेकर के जाइएगा, ये विचार नहीं, उपहार होगा जिंदगी का, और ये उपचार होगा जो अशांति समाज में फैली हुई है। उस अशांति के लिए समाज को किस तरह से शांत किया जा सकता है, उसके लिए उपचार होगा। इन ब्रह्म कुमारी वालों के जो शिक्षाएं हैं उनसे जुड़ेंगे तो जिंदगी में आपके संतुलन आएगा, और जिंदगी में काम ऐसे करो कि दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। अपने आप को हर सिचुएशन में रोज सकारात्मक करने की जरूरत है, रोज आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, रोज उस परमात्मा से बात करने की जरूरत है जो सृष्टि का नियंता है और रचयिता है। इन्हीं दो चीजों को समझ लेना, यही स्पिरिचुअलिटी है। मुख्यालय से राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता को हाल ही में पुणे स्थित सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए उनके अतुलनीय कार्यों के लिए इंस्टीट्यूट के फाउंडर, प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर डॉक्टर संजय चौड़िया एवं सुषमा चौड़िया के हाथों यह सम्मान दिया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।